हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। आज हमने बनाई प्याज पकोड़े वाली कड़ी। ये देखिए कितना शानदार, जानदार और मज़ेदार तड़का इसको लग रहा है। क्या खुशबू इसकी आ रही है, वाह भाई वाह। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अभी हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप भी बनाना चाहते हैं इतनी स्वादिष्ट प्याज पकोड़े वाली कड़ी, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें, क्योंकि इसके बीच में हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मोस्ट वेलकम टू यूएससी कुकिंग किंग, आपका अपना चैनल। डिप बाउल मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसमें डालेंगे 250 ग्राम दही, वाह भाई वाह। और साथ ही हम इसमें बेसन डालेंगे 6 बड़े चम्मच, यानी कि 100 ग्राम बेसन इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर हमने डाल दिया 1 चम्मच नमक, देगी मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पर 1 चम्मच, और यहाँ पर अब हम डालेंगे हल्दी 1/2 चम्मच, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, वाह भाई वाह। अब इसको मंधानी से अच्छे से फेंट लेंगे, कोई लम्स इसमें ना रहे, इसलिए हमें मंधानी से इसको फेंटना है अच्छे से। मैंने 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से फेंटा है, वाह भाई वाह। तो चलिए अब करते हैं पकौड़ी के लिए प्याज की कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से आपको प्याज लेना है। मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 प्याज मीडियम साइज़ के, और 1 प्याज के 3 टुकड़े एक साइड के किए हैं, यानी टोटल 1 प्याज के 6 टुकड़े करके, और इसको बिल्कुल अलग कर लिया एक एक लच्छा। ये देखिए कैसे किया है। अब इसको रखेंगे एक बाउल में, वाह भाई वाह। अब इसमें डालेंगे बेसन, तो ये 100 ग्राम बेसन मैंने और लिया है। अब इसको धीरे धीरे से मिलाएंगे, आप धीरे धीरे से इसको मिक्स करें, वाह भाई वाह। यहाँ पर हमने डाला है 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ ही इसमें अब ऐड करेंगे नमक, वाह भाई वाह। नमक बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, और गरम मसाला। तो अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालें, और सूखा इसको रखना है, एकदम सूखा, आप ज़्यादा गीला ना करें, ज़्यादा पानी ना डालें। तो चलिए तेल हमने गरम कर लिया है, अब इसमें डालेंगे प्याज की पकौड़ी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी शेयर कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये पकौड़े बनाने की ट्रिक्स है, इसमें आपको ऐसे ही टाइट रखना है एकदम से मसाला, देख रहे हैं आप। और अब आप अदर चैनल पर जाइए और देखिए कि पकोड़े कैसे बनते हैं। वहाँ पर जो बैटर है, जो ये मसाला है, इधर उधर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, गंद मरता है एकदम से। तो दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि हमारे चैनल पर आपको क्या मिल रहा है। ये देखिए, देखो कितना क्लियरिटी यहाँ पर आई है, हमारा ऑयल कितना साफ है, कहीं पर कोई गंद नहीं फैला है, ये मेन बात होती है। ये देखिए कितना नाइस कलर हमारा आया है, वाह भाई वाह, शानदार, मज़ेदार, जानदार। तो अब मैंने यहाँ पर दूसरे वाले जो पकोड़े हैं उनको भी मैंने फ्राई कर लिया है, ये देखिए। अब इनको भी निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी प्याज पकोड़े वाली कड़ी हमारी बन रही है। ये उत्तर भारत में बहुत पसंद की जाती है। अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में लोग इसके दीवाने हैं, वाह भाई वाह। ये देखिए क्या शानदार ये बना है, और हमारा तेल भी एकदम बढ़िया से है। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है कढ़ाई, और इसमें डाल दिया है 2 से 2.5 चम्मच ऑयल। अब कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार होने वाली है,
तो ये जीरा हमने यहाँ पर डाला है, तो जीरा आप लें। और ये करी पत्ता, तो करी पत्ता इसमें डालेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर डाल दिया है सरसों, वाह भाई वाह, मस्टर्ड सीड है ना। और अब दो तेज पत्ते यहाँ पर डाल रहे हैं, अब इनको देते हैं चटक। तो हमारे मसाले अब चटकने लगे हैं, यानी तड़का चटकने लगा है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, आप इसमें कुटी हुई अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहीं पर अदरक लहसुन पेस्ट को डालना है, और अब थोड़ा सा इसको हल्का सा गोल्डन करने के बाद अब इसमें डालेंगे घोल, कड़ी बेसन और मसालों का घोल अब इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया था, अब इसको हिलाना है। इसका जो टिप्स होता है, जैसे ही आपने घोल को ऐड किया, इसको धीरे धीरे से हिलाना शुरू कर दें, और तब तक हिलाएं जब तक बॉईल इसमें नहीं आ जाता है। तो हमारी कड़ी में बॉईल आ चुका है, थोड़ा सा नमक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब बॉईल आने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज वाली पकौड़ी, वाह भाई वाह। तो ये पकौड़े इसमें लगा देते हैं 4 चांद, इसके स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और आप भी इसी तरह से ऐड करें, वाह भाई वाह। एक बार इसे ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। ये देखिए क्या स्वादिष्ट ये बन रहा है। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, कुकिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारा चैनल उनके लिए सबसे बेस्ट है। हमारे वीडियो को बस पूरा देखें, आप आसानी से बहुत ही बढ़िया रेसिपी अपने घर में बना सकते हैं। तो अब हम इसको देंगे ढक और इसको 25 मिनट हम यहाँ पर पकाएंगे। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और हमारी कड़ी बहुत ही बढ़िया से बनी है। अब इसको निकालते हैं एक सर्विंग बाउल में, और सर्विंग बाउल में निकालने के बाद इसको लगाएंगे तड़का। ये देखिए कितनी बढ़िया से ये बनी है। तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं और अब बनाते हैं तड़का। तो इसका तड़का बनाना बहुत इंटरेस्टिंग है, और तड़का लास्ट में इसको लगाने से इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। तो ऑयल यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच, तो 2 चम्मच ऑयल डालें, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 लौंग मैंने यहाँ पर डाल दी है, तो आपको भी लौंग डालनी है। यहाँ पर आप चाहें तो काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। और साथ ही हमने यहाँ पर डाली है हींग। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ये देगी लाल मिर्च है, ये देखिए। और अब हम इसको लगाएंगे तड़का, वाह भाई वाह। तो सर्विंग बाउल को मैं एक बार रख देता हूँ फिर इसके ऊपर, और ये देखिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े वाली कड़ी को तड़का, वाह भाई वाह। ये देखिए कितना शानदार तड़का हमारा लगा है, शानदार जानदार और मज़ेदार। आपको ये तड़का कैसे लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ पर हमने डाल दी है धनिया की हरी पत्तियाँ, जो इसको लगा रहे हैं 4 चांद। कलर देखिए आप कितना बढ़िया से आया, यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ही स्वादिष्ट एकदम टेस्टी बनी है। कलरफुल कड़ी यहाँ पर बनके तैयार हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे ही बनाएंगे। 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आप ऐसे ही बनाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को सारे स्टेप बताना, क्योंकि दोस्तों खाना बनता है बहुत ही प्यार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार रेसिपी में। तो मेरे चैनल को अभी कर दें सब्सक्राइब, वाह भाई वाह। तब तक के लिए धन्यवाद,
जय हिंद।